बेगूसराय संसद कैसा हो, बेगूसराय संसद कैसा हो, अरे बेगूसराय संसद कैसा हो। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, चूंकि इनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, तो ये अपनी बातों को रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि जन अधिकार पार्टी पूरे शक्ति से, तन मन धन से कन्हैया जी को जिताने के लिए अपनी जी जान हम लोग लगा देंगे, एक एक कतरा खून बहा देंगे। कन्हैया जी को विजयी बना करके बेगूसराय के सम्मान को लास्ट में बोलेंगे। ऐसी बात प्रदान करते हैं कि हमारे अभिभावक गण भाई कन्हैया को आशीर्वाद दें और इस मैदान में आए हैं। हम आशा करेंगे इनसे कि वो सुचारू रूप से संचालन करें। अफसोस की बात है कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। अफसोस है इस बात की, वोट किसको आप दीजिएगा नहीं दीजिए। मुंगेर बाहर से आकर के कैंडिडेट यहाँ से जीत करके गए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप किसको वोट दीजिए नहीं दीजिए, वोट हम आपसे नहीं मांग रहे, लेकिन ये गंभीर समस्या है, गंभीर प्रश्न है। इस पर आप लोग निश्चित रूप से विचार कीजिए कि भाई कन्हैया को विजय बनाना है, अन्यथा इनको विजय नहीं बनाना। बात मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इस तरीके का सहयोग और समर्थन मुझे मिलेगा। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इस बड़ी जिम्मेवारी को निभाया कैसे जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात सोचकर दिल्ली से आया था कि बेगूसराय के किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे, अपनी माँ के साथ रहेंगे, अपना भरण पोषण ईमानदारी से करते हुए अपनी ज़िंदगी जिएंगे, और बेगूसराय के लोग जिस कठिन परिस्थिति में, जब मैं जेल गया था और मेरी माँ आंसू बहा रही थी, तब उसका आंसू पोछे और लोगों ने कहा कि आप मत रोइए, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, वो बेगूसराय का बच्चा है। हमको पूरा भरोसा है जो सच्चाई है वो सामने आएगी। हमको अपने नमक पे, अपनी मिट्टी पे और अपनी परवरिश पे भरोसा है कि हमारा बच्चा गलत नहीं कर सकता, उसको ज़रूर फंसाया गया है। और ये जो भरोसा था लोगों का, जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि पूरे पूर्ण समर्थन दिया है, दूसरे दल के लोग भी अपना समर्थन दे रहे हैं, फिर भी जिस तरीके से लोकतंत्र की इस लड़ाई में नोट तंत्र खड़ा है, हमारे पास संसाधन की कमी है। ऐसा हो सकता है कि 1,944,000 मतदाताओं के पास, एक एक मतदाता के पास पहुंच पाना मुश्किल हो। इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यह लड़ाई चूंकि एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह बेगूसराय जिले के आत्मसम्मान का सवाल है। पूरा देश जब बेगूसराय को देख रहा है कि सांप्रदायिकता और नफरत के खिलाफ, पूंजीवादी लूट के खिलाफ, धन कुबेरों की साजिश के खिलाफ जब कोई बोल रहा है, तो बेगूसराय के लोग उसको अपना समर्थन देते हैं कि नहीं देते हैं। मैं यहाँ हूँ, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोगों ने अपना समर्थन दिया है, जब जब जरूरत हुआ है तब तब समर्थन दिया है। आपसे मैं एक अपील और करता हूँ कि इस चोर की चौकीदारी को अगर हमको बदलना है, अगर हम महसूस करते हैं कि यह बेगूसराय की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो उनकी चोरी के लिए कोई ईमानदार झांसे में आकर यह कह सकता है कि मैं भी चौकीदार, तो बेगूसराय के लोगों को अपनी प्रतिष्ठा के लिए ये कहना चाहिए, मैं हूँ उम्मीदवार।
एक मतदाता को ये महसूस करना चाहिए कि यह लड़ाई हमारी लड़ाई है। और मैं आपको वादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव के वक्त में लोग वादा करते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। चुनाव जब होता है तो गली गली धूल फांकते हैं, चुनाव के बाद जो है एसी कमरे में बैठ करके काजू किशमिश फांक रहे होते हैं। यह सच्चाई आप लोगों को मालूम है, इसलिए मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा। दो महीने के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब भी देखिएगा, दिन रात सुबह शाम सुख दुख में आप अगर किसी व्यक्ति के पास सबसे आसानी से पहुंच सकते हैं तो वो आपका बच्चा है, आपका लाल है। इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। इसीलिए आप अपने आप पर आत्मविश्वास करके यह महसूस कीजिए कि आप ही मैदान में हैं, आप ही चुनाव के मैदान में हैं, आप ही उम्मीदवार हैं, और आप ही जाकर के अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को, और आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, किसान, महिला, अल्पसंख्यक, तमाम तरीके के जो बेगूसराय के लोग हैं, आप अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जाकर के कहिए कि आप किसको पसंद करते हैं, आपकी पार्टी कौन सी है। मैं इस पर बहस नहीं करने के लिए जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमको जानते हैं, और जब आप हमको जानते हैं तो आप कन्हैया को जब वोट दीजिएगा तो महसूस कीजिएगा कि आप मुझे वोट दे रहे हैं। ये जिम्मेवारी हमको, आपको अपने कंधे पे हम सबको लेनी पड़ेगी, और बेगूसराय का मान बढ़ाते हुए एक संदेश पूरी दुनिया को देना पड़ेगा कि बेगूसराय की धरती राष्ट्र कवि पैदा करती है। राष्ट्रद्रोह का कलंक जो आपने लगाया है उसको हम धोने का काम करेंगे, मिटाने का काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि तमाम जन जिस तरीके से समर्थन दिया है हमारा यह